जन जन की आवाज़ जीवन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि हम झारखंड राज्य महिला आयोग के सामने खड़े हैं, उनके कार्यालय में आए हुए हैं। और आपको जानकर बेहद गुस्सा भी आ सकता है या फिर आप चौंक भी सकते हैं कि पिछले 2.5 साल से चेयरमैन और उनके जो साथी हैं उन सबका पद खाली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो आयोग है जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है। गरीब महिलाएँ जो है अपने लेटर के थ्रू अपनी शिकायत यहाँ पर लेकर आती है और उन शिकायत का मसला जो है वो आसानी से हल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये कह सकती है कि मिनी कोर्ट है। कई सारे मसले पारिवारिक विवाद हो गया, जो भी घर के छोटे मोटे मसले वो यहाँ पे सुलझाया जाता है। आपको बता दें, इससे पहले जब रघुवर सरकार थी उस समय कल्याणी शरण थी, उस समय काम वाकई में काफी हमने खुद पर्सनली आके रिपोर्टिंग की, हम आपको ये बता सकते हैं, ये हमारी खुद की रिपोर्ट है कि काफी बढ़िया काम होता था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी थोड़ा अंदर चले, आयोग का जरा तस्वीर दिखाएं। आप देख कर खुद आप देखिए, ये जितने सीट लाइन से आपको चेयर दिख रहे होंगे ये सब खाली पड़ा है। लेकिन जब पिछली सरकार थी, कहने का मतलब जब पहले चेयरमैन थी कल्याणी शरण, उस समय ये सब खचाखच भरा रहता था। मुझे याद है यहाँ पे आने के लिए हमें बैठने के लिए जो है वो जगह नहीं मिल पाता था। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए, ये सारा चेयर अभी खाली सुनसान पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई खंडर है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा एरिया जो है वो खंडर है, लेकिन ये खंडर नहीं है। एक्चुअली असल ये झारखंड महिला आयोग है जो 2.5 सालों से यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से खाली है। अभी तक किसी एक की भी नियुक्ति नहीं हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि ये जो कार्यालय है जहाँ पे चेयरमैन बैठते हैं, देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है ये कार्यालय में। अब आप समझ सकते हैं कि जब कार्यालय में जहाँ पे चेयरपर्सन बैठती है, जहाँ पे मेन सुनवाई होती है, जब वहाँ पे ताला मरा हुआ है पिछले 2.5 साल से, तो सरकार महिलाओं के बारे में क्या संज्ञान ले रही है। एक तरफ सरकार जो है वो महुआ मांझी को उतारती है और ये कहती है कि हम महिला को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब जो नीचे तबके की, जो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसे कहते हैं नीचे तबके की महिलाएँ, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको सामाजिक न्याय मिलेगा। तो लेकिन सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस तब मिलेगा जब ये जो ताला जो आप देख रहे हैं ये खुलेगा, ये खुलेगा तब न्याय मिलेगा। ये बिना खुले न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि न्याय इसके अंदर मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि अपॉइंट करना पड़ेगा। जी हाँ, चेयरपर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, उनके साथ जो 5 लोग और अन्य सदस्य उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। आखिर इतना निलंबित क्यों हो रहा है? हमने आपको आरती खजूर का भी इंटरव्यू दिखाया था और हम आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे, प्रूफ के साथ दिखा रहे कि किस तरीके से ये खाली पड़ा हुआ है। इसके साथ ही लेकिन कुछ महिला अंदर में कार्यकर्त है, उनसे हमने जब बात की, कैमरे के सामने वो नहीं आना चाह रही, लेकिन उन्होंने हमसे यही कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लेटर आते हैं, शिकायत आज भी महिलाएं आती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती है, कुछ शिकायत लेकर आती है, लेकिन उनका सुनवाई करने के लिए कोई होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, केस को रख देते हैं और वो पेंडिंग पड़ा रहता है। मैं चाहूँगी अपने सहयोगों को वो दिखाएं कि कैसे जो है वो पेंडिंग जो है वो केसेस बैक टू बैक पूरा पेंडिंग है, क्योंकि जब तक चेयरपर्सन और अन्य सदस्य नहीं रहेंगे तब तक किसी भी केस को उठाने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतने बड़े ऑफिस, इतना बड़ा आयोग में सिर्फ एक महिला कर्मचारी है, बाकी यहाँ पे और कोई नहीं है। ये चेयर खाली है, वो चेयर खाली, सारे चेयर आपको खाली नजर आएंगे और ये हम आपको सामने प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जितने भी फाइल्स है वो सब लंबित पड़े हुए हैं, वहाँ पे फाइल्स आप देख सकते हैं वो सब लंबित है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल्स है, सब लंबित है। तो आपने साफ तौर पर देखा, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिया कि झारखंड महिला आयोग कितनी की दुर्दशा, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और आपको हम आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि बाल संरक्षण आयोग जो है उसका भी चेयरपर्सन, उसका भी दशा सेम ऐसा ही है, उसमें भी कोई सदस्य नहीं है, चेयरपर्सन नहीं है। ये अपने आप में भयावह स्थिति है। अगर वुमेन को एम्पावरमेंट करना होगा, साथ ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होगा, तो इन चेयरपर्सन और अन्य पदों को जल्द से जल्द भरने की जरूरत है। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग और अपडेट के लिए आप बने रहे जीवन भारत के साथ। मैं शिखा श्रे अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।